अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं आज आपसे अपनी उमरा स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं रियाद आई तो हमने उमरा पर जाने का प्लान किया। और जैसा कि यहाँ पे आपको पता होगा, मोस्टली लोग बाय रोड उमरा करने जाते हैं, तो ये हमारी बस है जिससे हमने उमरा करने जाना है। और हम जब जा रहे थे तो हमें बारिश भी मिल गई रास्ते में, और ये हमारा सफ़र उमरे का शुरू हुआ। आप देख सकते हैं कि रास्ते में पहाड़ और किस तरह का रास्ता है रियाद से मक्का जाने के लिए। रास्ते में हमें रात हो गई और रास्ता बारिश की वजह से क्योंकि बहुत ही ख़राब हो गया था, और हमारे ड्राइवर को नज़र ही नहीं आया, उन्होंने जाकर बस को एक मिट्टी के गड्ढे में फंसा दिया, जिसकी वजह से हमें पहुंचने में काफ़ी लेट हो गई। 2 घंटे हमें इसी में लग गए। फिर एक हाईवे पुलिस आई और उन्होंने हमारी मदद की। उन्होंने एक बड़ा सा ट्रॉलर बुलवाया जिसने हमारी बस को टो किया, खींचा ताकि वो गड्ढे से बाहर आ जाए। और बहुत देर कोशिश करने के बाद बस बाहर आ गई और फाइनली हम अपने होटल पहुंच गए। और ये लीजिए हमारे रूम का व्यू भी आप देख सकते हैं, और हमारा कमरा भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत, साफ़ सुथरा और बहुत ही अच्छा था, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। और फाइनली हम उस जगह पहुँच गए जहाँ जाने के लिए हमने इतना लंबा सफ़र तय किया था। आए आपको वहाँ की अजान सुनाते हैं। की अजान, हम बैठे हैं सहन में, आपको अजान सुनाते हैं। तो जी ये लें, मदीना में सुबह हो गई है और हम अभी यहीं हैं। मज़ीद 2 दिन हमने मदीना में रहना है, उसके बाद इंशाल्लाह हम रियाद का सफ़र करेंगे और वापसी भी हम बस से ही जाएंगे। और देखते हैं कब इस जगह पर दोबारा आना होता है। बस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।